हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में अपने डिस्कस किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें अपन ने थ्योरी प्लस डायग्राम के बारे में कंप्लीटली एक्सप्लेन किया था, जहां से अपन ने कंक्लूड निकाला था कि जो कैथोड रेज होती है उन्हीं में आपके नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, जिनको अपन आगे चल के इलेक्ट्रॉन नाम देंगे। आज का टॉपिक अपना होगा प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, जो रिगार्डिंग आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से समझिएगा, कुछ पॉइंट्स से आपको इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। नोट्स में सारी चीजें एक्सप्लेन गिवन है। आप देखिए, फर्स्ट पॉइंट, प्रोपोगेट इन स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट बात कर रहा है आपका प्रोपोगेट इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मीन्स आपका कहां से है, कैथोड टू एनोड से आपके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट होती है, मूव होती है। ये क्लियरली आप देख चुके हो, मूव कैथोड टू एनोड, और इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं अपन, कैथोड रेज। नॉट विजिबल बट बाय जिंक सल्फाइड देर आर आइडेंटिफाइड। वैसे विजिबल नहीं होती, बट अपन ने क्या किया था, यहां पर जिंक सल्फाइड की क्या रखी थी अपन ने, प्लेट रखी थी, तो उस पर क्या हुआ था, अपने पास में स्पॉट अपन को आइडेंटिफाई हुए थे, जिससे अपन को क्लियर हुआ कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई रेज आपकी प्रोपोगेट कर रहे हैं। बात क्लियर है। नॉट विजिबल, वैसे अपन को विजिबल नहीं होती, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन ने किसका यूज किया, जड़नेस। और जड़नेस क्या है आपका, एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है जो किसी रेज की प्रदेश में अपन को स्ट्राइक चमकीला होता हुआ दिखाई देता है, तो यहाँ पर अपन को ये स्पॉट नजर आएंगे, जिससे अपन को क्लियर होगा कि इस डिस्चार्ज ट्यूब इसके इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब के इनसाइड कोई रेज आपकी प्रोपोगेट हो रही है। मैकेनिकल इफेक्ट क्या शो करती है आपकी, ये मैकेनिकल इफेक्ट शो करती है। अगर आपने क्या किया, इसके प्रोपोगेशन पाथ में यहां पर इस तरह का एक पैडल लग दिया, राइट, तो ये पैडल क्या करने लग जाएगा आपका, घूमने लग जाएगा, करने लग जाएगा, घूमने लग जाएगा। मतलब मशीन पड्डी अपने कोई, उस मशीन को क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। कौन रोटेट कर रहा है, प्रोपोगेशन ऑफ रेज, रेज की वजह से क्या हो रहा है आपकी, वो रोटेट हो रही है। तो अपन कह सकते हैं कि इसमें क्या है, मैकेनिकल इफेक्ट भी शो करती है। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्शन, तो यहां पर अगर अपन देखो, ध्यान दीजिए, इसके प्रोपोगेशन पाथ में अपन ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल फील्ड रखा, तो ये या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज क्या होगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज क्या होगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी अपने पाथ से, ये अप या डाउन डायरेक्शन में क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। और अपन ने यहां पर यह रखा है इसमें क्या, मैग्नेटिक फील्ड एम एस, सब जानते हो, तब भी क्या होगा, ये अपने पाथ से क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। तो लिखा अपन ने इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड से क्या होती है, डिफ्लेक्शन होता है, इसमें डिफ्लेक्ट होती है अपने पाथ से, ये क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। हिटिंग इफेक्ट, अगर यहां पर अपन क्या करें, कोई मेटल की सीट रख दे, क्या रख दे बेटा, यहाँ पर कोई मेटल की सीट रख दे और उस पर बार बार अगर ये स्ट्राइक होती है, तो यहाँ पर क्या नजर आएगा आपको, हीटिंग इफेक्ट नजर आएगा, क्या नजर आएगा आपका, मतलब ये सीट क्या हो जाएगी आपकी, गर्म हो जाएगी। सीट क्या हो जाएगी, गर्म, जैसे अपने क्या ली, एल्यूमिनियम की सीट, क्या ली, एल्यूमिनियम की सीट। नेक्स्ट लिखा अपन ने, डू नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोड एंड नेचर ऑफ गैस। इलेक्ट्रोड आप कोई से भी ले सकते हो, कोई सी भी मेटल के ले सकते हो, उस पे इसकी प्रॉपर्टी कोई इफेक्ट नहीं होगा, वही प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर यहाँ पे अपन ने जिंक का ले रखा है, कॉपर का ले रखा है, मैग्नीशियम का ले रखा है, किसी का भी ले रखा है, कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेचर ऑफ गैस, इसके अंदर जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर अपन ने गैस फिल कर रखी है, वो गैस आपकी कोई सी, वो हर गैस में एटम होता है, उस एटम में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे।
चाहे वो हाइड्रोजन है, चाहे वो आपके नाइट्रोजन है, चाहे वो हीलियम है, कोई सी भी केस अपन यहाँ पे ले सकते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज नॉट डिपेंड ऑन मेथड एंड नेचर ऑफ गैस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इफेक्टेड बाय फोटोग्राफिक प्लेट, अगर अपन ने यहाँ पर क्या लगा दी, फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी, तो उसपे क्या होगा, इसका जो पाथ है वो क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। फोटोग्राफिक प्लेट अगर अपन यहाँ पर लगा देंगे तो उसका पाथ क्या होगा, इफेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट थे जिससे अपन ने क्या किया, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज को डिस्कस किया। फाइनली यहाँ पर ये क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रेंज, क्या ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रेंज, इसीलिए इन चार्ज पार्टिकल को अपन क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रॉन नाम देंगे। क्या नाम देंगे बेटा इनको, इलेक्ट्रॉन। क्या नाम देंगे इनको, इलेक्ट्रॉन नाम देंगे। क्लियर है ये? अब अपने पास क्लियर हो गया जो कैथोड रेस के पार्टिकल्स है उनको अपन ने क्या नाम दिया, फाइनली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपने इनको नाम दिया। क्लियर? अब यहां से इन प्रॉपर्टीज से क्लियर हो गया कौन सा टॉपिक अपना, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको ये कंप्लीटली समझ में आया होगा। आज ही क्लास में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।